फिनाले आ रहा है, क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी की? आप तो घर में जाएंगे, क्या कुछ मतलब कंटेस्टेंट से कपड़े तैयारी है? और मेरे जो कपड़े हैं फिनाले के लिए 29 लाख के कपड़े सिलवाए हैं मैंने, और तगड़ा तहलका। अभी जूते आ रहे हैं मेरे 28 लाख के, वो देखना पहुंचने वाले 5 मिनट में, न्यूजीलैंड से पहुंचने वाले हैं। मैडम क्या लगता है कौन जीतेगा? अरुण भाई जिंदाबाद, तगड़ा तहलका। अरे पीछे 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 चेक करके बता, रियल है या फेक है? असली है, असली है टहलका भाई, आप ही असली हो। आई लव यू सो मच ओजी। टहलका बता देंगे, ड्रैगन में बता देंगे, तगड़ा टहलका। मोबाइल गिर जाता है। मैम आपका डांस तो बहुत वायरल हुआ था जब वेलकम हुआ था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उस पर कमेंट में देखा, देखे थे आपने? कमेंट बोल रहे थे कोई एक्ट्रेस से अच्छा है, उससे अच्छा था। अरे वाह, फिर आप चाहो किसी को भी एक्ट्रेस बना दोगे तो आप ही ने वायरल करी थी वो, पता है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया था। ऐसा बिग बॉस में पहली बार हुआ है कि वाइफ ने इतना वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम, वो भी डांस पे। अब फिर अगली बार जब मैं जाऊंगी तो फिर सनी भी ऐसे ही वेलकम करेंगे, तो फिर देखना कंपटीशन करेंगे कि सनी ज्यादा अच्छा वेलकम कर सकते हैं या मैंने किया था। नहीं नहीं नहीं, आपने तो जता वो अभी अरुण भाई जीत के आएंगे ना, तब वेलकम देखना, जो वेलकम होगा तब देखना क्या वेलकम। अच्छा आप जाने वाले हैं कैसे? 18 में जाने वाले बिग बॉस? मुझे कैसे बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगी। फिर वो रिवील हो जाता है, फिर वो रह जाता है। लेकिन आप जाते हैं तो पूरा तहलका सही में मचा देते ना, तो फिर अगली बार ही सही। अलग कर दिया। अरे आप इधर, अरे वहाँ से मिल जाएंगे इन लोग साथ। ठीक, चलो। अरुण के सपोर्ट में, तो मुझे लगता है अरुण इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ही इज अ रियल मैन, ही इज अ कॉमन मैन। मतलब उसने शो भी किया अपने बलबूते पर किया है, वो ना एक टीवी एक्टर है ना वो, मतलब यू नो वो उसने जो भी किया अपने ऊपर किया है, एंड उसने ना किसी को घर में मारा है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन। ओके, आपको धमकी करते हैं? जी हाँ, करें। सर आपको कहीं ना कहीं धमकियां भी मिल रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे अभी एक मेल आया था, जिसमें किसी ने बोला है कि आप जाके मनारा और अभिषेक के बारे में ऐसे बोलना वैसे बोलना। मतलब मुझे मनारा अच्छी लगती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मुंह मेरा है, विचार मेरे हैं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। ऐसे धमकियों से, मतलब ये ट्रोलिंग से तो होती रहती है, बट दिस टाइम आई पुट इट आउट बिकॉज जिसने किया है उसको पता होना चाहिए कि ये सब धमकियां इज ऑल नॉनसेंस, इज अ रियलिटी शो डाउन द लाइन, एंड वी कैन नॉट यू नो बिहेव लाइक दिस, इज जस्ट रियली बैड। बट मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। आई थिंक अरुण डिजर्व्स इट। मुझे लगता है अरुण इज समबडी हु हैज प्लेड वेल, उसने हंसाया है, उसने ह्यूमर दिया है। मुझे लगता है अरुण एक एक लौता कंटेस्टेंट है जिसने एक रिश्ता बनाया था इनके साथ, और वो रिश्ता आज तक चल रहा है। बाकी घर में किसी ने कोई रिश्ता नहीं, सब लोग बस चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिना मतलब के लड़ना, बिना मतलब के झगड़ना अरुण भाई को ये नहीं आता। जेन्युइन बंदा, जेन्युइन शो मेरा, जैसा था वैसा रहा, तहलका मचाया, सबको बैगन में मिलाया। संदीप सर आपसे जानना, और आज मैं दोपहर को बैंगन का भरता भी खा के आया। क्या बात है, जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज, भैया ने खाया बैंगन का भरता, नेशनल वेजिटेबल बनने वाला है। आई होप सो, यस ऑफ कोर्स। संदीप सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है फिनाले में कौन जीतेगा, ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ अरुण, क्या मुझे तो मुझे लगता है अरुण को ही जीतना चाहिए, बिकॉज यू नो लास्ट ईयर जब हुआ था तो ऑल दो एमसी स्टैन ही वॉज देयर इन द फाइनल, बट किसी ने सोचा नहीं था कि एमसी स्टैन जीतेगा। सो आई वॉन्ट दैट ट्रेडिशन टू कंटिन्यू, बिकॉज यहाँ पर आई नो फ्रेंकली, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि आप अरुण को क्यों सपोर्ट करें, उसके चांसेस तो बहुत कम है, बट मुझे लगता है ये एक सरप्राइज होगा, और अगर वो होता है इट विल बी फैंटास्टिक, अगर नहीं होता है तो स्टिल जो भी ऑडियंस। लेकिन भैया कुछ घंटे पहले मैंने इनको स्क्रीनशॉट दिखाया, भारत की मीडिया लगातार ये दिखा रही है कि इस टाइम अरुण भाई टॉप वन पे चल रहे वोटिंग के अंदर, टॉप वन पे चल रहा है मेरा भाई अरुण भाई, बैगन भाई। आई होप जो बिग बॉस 16 में हुआ था वो 17 में भी हो, द डार्क हॉर्स विंस, बिकॉज दैट इज व्हाट अ ट्रू विनर इज। जेन्युइन बंदे को जितवाना है, चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। चलो बैगन, चलो बैगन।
अरे उधर किधर, उधर किधर भाई, इधर है वैनिटी, अंदर करो अंदर। अरे भाई कितने, भाई कितने लाख किए? गाइस गाइस बाइक पार्क कर लेने का, फिर लेते हैं विजुअल। पार्क कर लेंगे, फिर लेते हैं। चलाने वाला मिलने का, चलाने वाला भाई आइए साइड में। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, चलते रहो चलते रहिए। अरे भाई प्लीज एक साइड, थोड़ा साइड दे भाई, गाड़ी का शॉट चाहिए भाई, गुस्सा कर रहे हैं, जाने दो गाड़ी का अपनी गाड़ी वाला। अरे यू गाइस कम लो, हां दादा दादा आगे मत आओ, कैमरे का आगे आप मत आइए, मैं जा रहा हूं वापस। चलो चलो आ जाओ भाई। नहीं 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 भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हर बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे नहीं मिलेगा भाई, भाई 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 एक राउंड चाहिए। चलो रोल एक मिनट, एक बस क्या ज्यादा इधर। अरे बाप सर कौन जीत रहा है? शो जीत रहा है। सबसे ज्यादा शो जीतेगा। आप किसको सपोर्ट? अच्छा ये इन्होंने बोल दिया पता है, क्योंकि उनको पता है कि दो साल से मैं वही जवाब दे रहा हूँ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि 28 जनवरी के बाद मैं कहाँ जाऊँगा घूमने के लिए। बट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए शो को, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और जो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है उसको वोट करें। आपका कौन सा फेवरेट? मेरा फेवरेट सीजन 3 में राजू श्रीवास्तव। वो तो आप दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छा खेले थे, बहुत मजा आया। उसके बाद से मैं शो से जुड़ गया, तो फेवरेट मजा ठीक नहीं। सर विक्की जिन जिनका इवेक्ट हुआ है उनका सब लोग बोल रहे हैं कि गलत इविक्शन हुआ है, उस पर क्या बोलना चाहोगे? जो इविक्ट होता है उसको ये लगता है गलत इविक्ट हुआ है, और सबसे कमाल की बात, लेकिन इविक्ट कोई भी हो गाली मुझे बहुत। लेकिन शो में देखा जाए तो स्टार्ट टू एंड उन्होंने ना कोई गलत लैंग्वेज यूज किया है, ना उनका कोई बाहर पर्सनल लाइफ में कुछ उनको हुआ है, इससे रिलेटेड मैं कोई बात नहीं कर सकता। देखिए ये जितना भी कॉन्ट्रोवर्सी है या लोगों को लगता है गलत या सही हो, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को प्यार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो प्यार है, और प्यार बना रहे, ईश्वर से यही कामना है, और लोगों से यही निवेदन। थैंक यू सो मच। ये हमारे सुपुत्र हैं। क्या बात है, दिखाओ आ जाओ सामने। तो हाय कर, तो हाय से हाय, हाय करो बेटा, चलो कट कर। यही बॉस है, मेन बॉस यही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैम और ये बात बताइए कैसा रहा अंदर का रूम? सुपर रहा। एक तो अंकिता से इतने दिन बाद मिलने के, इट वाज जस्ट ओवरवेलमिंग था बहुत, क्योंकि यू नो 3 महीने से उसकी जर्नी देखी है, और आज वो फाइनलिस्ट है। तो बस उसे यही कहा कि लोग जितना ढेर सारा उसे प्यार कर रहे हैं, वो फाइनलिस्ट है, अपने दम पर है, और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर है। तो बहुत सारे ऐसे वैसे सवाल पूछे गए, और उनके जवाब भी हमने दोनों ने मिलकर दिए। बस और हेलो हाउ आर यू, बाकी क्या बाकी विनर क्वालिटी किस में लग रहा है आपको? नहीं नहीं अंकिता में ही, अंकिता ने उसके अलावा कोई सेकंड उसके अलावा नहीं, विनर एक ही होता है ना। हाँ। तो वो अंकिता ही है, क्योंकि मुनव्वर भी है, अभिषेक भी है, मना रहा है, किसी ने बहुत अच्छा खेला है अपना अपना गेम, और इसीलिए वो फाइनलिस्ट है। बट सॉरी यार, 20 साल की दोस्ती और अंकिता लोखंडे, आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर। क्या बात है,
और अरुण जी टॉप 5 में आगे उसके क्या कहते हैं? अरे बहुत अच्छा, आई थिंक वो बहुत एंटरटेनिंग रहे अरुण जी, और मुझे उनकी लैंग्वेज और उनका लहजा इतना पसंद आया, और वो एकदम मस्त इंसान है, सो आई थिंक उनको मैंने बहुत एंजॉय किया इस पूरे शो में। बैंगन थैंक यू। चलो अरे थोड़ा सा रवि भाई मेरे को तो आने दो। भाई भाई रुको एक मिनट तो कम से कम रुको। नाइस लुक भाई। भाई 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 जाओ मत। अरे रवि भाई मेरा रोल नहीं है। भाई भाई रुको यहाँ पे रुको। अरे चल भाई भाई पूछ भाई भाई रुको ना रुको ना। भाई भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो? दम एकदम एक नंबर। भाई गाड़ी से एकदम दूर है हम लोग। कैसे हो? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रही है मैं तो मनारा को सपोर्ट कर रही हूँ। अरुण भाई भी मेरे फेवरेट है मगर मैं आई मनारा को सपोर्ट। मैं मुनव्वर के बारे में क्या बोलना चाहूँगा, जो इमेज उनकी क्रिएट हुई है बिग बॉस में आके। इमेज जो क्रिएट हुई, आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया सही, क्रिएट हुई हाँ? नहीं जो बनी है उनकी। दुनिया का काम है बात करना हाँ। हमारा काम है कि जो हम होते हैं उसे नहीं भूलना। ये मंच ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं 8 हफ्ते के लिए रह कर आई हूँ, और मुझे एक चीज पता है कि ये मंच हमें छोटा नहीं करता है, हम अपने हरकतों से छोटे या बड़े होते हैं। तो आई थिंक मुनव्वर को भी थोड़ा एक लाइसेंस दीजिए, उसकी प्राइवेट लाइफ को काफी तमाशा बना के रखा है लोगों ने, लेट द बॉय बी। और अभिषेक थोड़ा राहत। अभिषेक के बारे में क्या बोलना? अभिषेक का जो फिनोमिनल एक कमबैक रहा है और उसके लिए मैं उसे सल्यूट करती हूँ, मगर बहुत ही डिग्निफाइड गेम अगर किसी ने खेला है तो वो है अरुण ने। अरुण आई थिंक अरुण के साथ जो पर्सनल क्राइसिस हुई है जी। उसके बावजूद उसने अपनी ट्रेजेडी को अपने सर पे बैठ रख के उसे इस्तेमाल कभी किया नहीं, बाहर की बातें कभी नहीं की। और मैं मनारा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसने भी दिल से गेम किया खेला है। सिंगल लड़की रही है, सिंगल लड़की रह के एक कपल शो में नो पास्ट नो फ्यूचर सिर्फ प्रेजेंट में जीती आई है। उसने अपने मिस्टेक्स किए हैं मगर उसका दिल बड़ा है। अंकिता जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है अंकिता जी को, तो अच्छी बात है ना। हर किसी के फैन बेसिस हैं तो सबको सपोर्ट मिलना चाहिए, मगर मैं यहाँ आई थी मनारा को ये कहने के लिए कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती रखते हैं, अगर आपका दिल साफ है, अगर आपको पता है कि वो रिश्ता क्या है, तो फिर दुनिया की बात मत सुनो, क्योंकि वैसे लोग हैं जो आपको समझेंगे और वैसे लोग हैं जो आप कुछ भी कर ले नहीं समझेंगे। तो जिनको नहीं समझना है उनको नमस्कार कह के कहो कि दिस इज व्हाट आई एम, रिश्ते निभाओ। टॉप 3 कौन है? मैंने बेबिका के साथ रिश्ता निभाया था जी, जी हमने सबने मुझे कहा कि इसके साथ दोस्ती मत रखो। आपके हिसाब से विनर कौन है? मेरे हिसाब से जब 5 लोग फिनाले तक पहुंच जाते हैं ना, तो उन सबको थोड़ा ग्रेशियसली कहना चाहिए कि वेल डन। इसके बाद में ट्रॉफी कौन लेता है वो 28 को हम सबको पता चल जाएगा, वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड लेट्स सी, बट आई थिंक इन माय आईज दे आर ऑल विनर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत 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 धन्यवाद मैम। जी 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 बाय बाय। भाई अंदर जा रही है तो सर रुके ना सर यहाँ पे। किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर आप इस बार? सपोर्ट तो नहीं, मेरा काम तो देखो एज ए एस्ट्रोलॉजर अंदर जाना है, जो गाइडेंस जिसके लिए उसके लिए वो अच्छे से मैं गाइड कर पाऊँ और उनके आगे फ्यूचर में उनके लिए क्या वो सब बता पाऊँ मैं, इसलिए यहाँ पे। आपको क्या लगता है कौन विनर बनने वाला है इस सीजन का? वो अंदर हम बातें करेंगे तब आप सुनिएगा। नहीं बट थोड़ा सा मीडिया को वी आर नॉट अलाउड टू से दैट। मिलेंगे हम उस पे बात जरूर। मेरा फेवरेट इस टाइम अभिषेक कुमार है। बट फेवरेट और प्रिडिक्शन दो अलग अलग चीज है। नहीं एग्रेशन नहीं, उसके अंदर का जो सोल है वो शायद दूसरे लोग बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं, वो मैं उसके ऑरा से और उसकी बर्थ डिटेल्स भी मेरे पास है तो उससे जो मैं उसे रीड कर पाया हूँ अंदर से बहुत ही प्योर सोल है। गलतियाँ देखो कोई ना कोई खामियाँ हर किसी इंसान में होती है, तो बस उसकी वो वाली खामी कुछ ज़्यादा है, उसे वो भी समझाऊंगा कि उस पर भी जरूर काम करें। इज अ वेरी गुड फीचर है। अंकिता इज ऑल्सो समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, सो आई नो हर सिंस पास्ट 3 ईयर्स। तो अगेन अभी इधर ही सारी बातें कर दूंगा, फिर अंदर क्या बातें करेंगे। क्या लगता है बिग बॉस के बाद किसकी किस्मत चमकने वाली है? इसके बाद अभिषेक मुनव्वर
इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अंकिता थोड़ी देर काम करती है, वो अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन हाउस है उसका, मेरे को उस तरफ का विजन दिख रहा है ज़्यादा। और रह जाती है मनारा, उसको आप बहुत जल्दी वेब्स में या मूवीज में, साउथ मूवीज में स्पेशली काम करता जरूर देखोगे। मुनव्वर विल बी अ सोशल इन्फ्लुएंसर लाइक ही इज ऑलवेज बीन, और उनकी स्टैंड अप की जर्नी भी आगे बहुत बढ़िया रहने वाली है। थैंक यू, बहुत ब्लेस यू। भाई एक मिनट रुक जाओ, फोटो ले, मोबाइल में कैमरा का है, अतुल ले ले, सभी यस। अरे रुकना रवि भाई, फोटो ले। थैंक यू मोस्ट वेलकम। ये तो यहां से अरे हाँ उधर से भी है, यहाँ से आने जाना तू भी संभव नहीं रहे।